ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। ओके, टुडे वी विल गिव समार्थक शब्द। ओके, समार्थक शब्द तुम लोगों को पता है या नहीं? नहीं नहीं, समार्थक शब्द मीन्स क्या है ना? व्हाट इज समार्थक शब्द? देखो, सेम वर्ड मतलब दो वर्ड, उसका मीनिंग एक। ठीक है, दो वर्ड होगा मतलब मानो मैं दो जगह दो वर्ड लिखा, ठीक है, दो अलग अलग वर्ड लिखा लेकिन उसका मीनिंग एक होगा। ठीक है, उसका मीनिंग एक होगा, उसको क्या बोलते हैं? समार्थक शब्द, सेमिंग वर्ड। ठीक है, समार्थक शब्द, सेमिंग वर्ड। एग्जाम्पल मानो मदर एंड फादर। ठीक है, उसको हम लोग बहुत, माँ को हम लोग बहुत तरह से पुकारते हैं, जैसे माँ बोलते हैं, मदर बोलते हैं, मम्मी बोलते हैं, माताजी बोलते हैं, है ना? मतलब माताजी मतलब सेम माई है, माँ मतलब भी माई है, मदर मतलब माई है, और मम्मी मतलब भी माही है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? वर्ड अलग अलग, ठीक है, वर्ड अलग अलग है लेकिन उसका मीनिंग एक ही है, उसको बोलते हैं समार्थक शब्द। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? समार्थक शब्द। तो तुम लोगों को ये पढ़ना है, समार्थक शब्द तुम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे कुछ समार्थक शब्द दी हूँ, बुक से ही दी हूँ। देखो यहाँ पे कहाँ है, तीन नंबर वर्ड है जी, तीन नंबर समार्थक शब्द। ठीक है, देखो समार्थक शब्द, भोर, भोर मतलब एकदम बहुत सुबह सुबह। ठीक है, थोड़ा थोड़ा अंदर रहता है सुबह के टाइम में, उसको बोलते हैं भोर, यानी सुबह मतलब सकाल, बांग्ला में क्या बोलते हैं उसको? सकाल। ठीक है, भोर सकाल, भोर का मतलब भी सुबह ही है और सकाल का मतलब भी सुबह ही है। मैंने बोला दो अलग अलग वर्ड होगा लेकिन उसका मीनिंग एक ही होगा, मीनिंग एक हो मतलब लेकिन उसका वर्ड अलग अलग होगा। ठीक है, बहुत सारा भी हो सकता है, एक एक वर्ड मतलब चार पांच वर्ड भी हो सकता है लेकिन उसका मीनिंग एक ही हो सकता है। ठीक है, मैंने एक एक करके दिया, इसका बहुत सारा वर्ड भी हो सकता है लेकिन घूम फिर के एक ही मीनिंग होगा। ठीक है, घूम फिर के क्या होगा? एक ही मीनिंग होगा, उसको बोलते हैं समार्थक शब्द। ठीक है, तो मैंने हम लोग यहाँ पे क्या लिखे हैं? भोर। ठीक है, ध्यान से सुनना, भोर सकाल, भोर सकाल, दोर दरोजा, दोर दरोजा। ठीक है, दारोवान पहरादार, दारोवान पहरादार। ठीक है, भोर सकाल, दरोजा, दोर डो दोर, दरोजा मतलब डोर, डी डब्लू आर डोर, दरवाजा। ठीक है, दरवाजा, तो दोर बोलते हैं, दरवाजा बोलते हैं, दरोजा बोलते हैं। ठीक है, बांग्ला है मीनिंग है। ठीक है, दारोवान मतलब गार्डमैन, वार्डमैन, गार्डमैन। ठीक है, जो गार्डमैन हम लोग के घर के सामने गेट के सामने जो खड़े रहते हैं उसको गार्डमैन बोलते हैं हम लोग, है ना? तो दारोवान मतलब पहरादार, पहरादार, दारोवान पहरादार। ठीक है, पढ़ने के टाइम में अगर मीनिंग तुम लोग अच्छा से पढ़ोगे, ध्यान से पढ़ोगे, तो कभी भूलोगे भी नहीं, है ना? तो तुम लोगों को अच्छा से पढ़ना है। पता नहीं तुम लोग क्यों नहीं पढ़ते हो, मुझे होमवर्क भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, अगर तुम लोगों का प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे बोलो, मुझे मेरे व्हाट्सएप में मुझे फ़ोन करो, मुझे मैसेज करो, मुझे फ़ोन करो, मुझे पूछो, मैम मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, मैं बोल दूँगी। लेकिन तुम लोग चुपचाप मत रहो। ठीक है, अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे कॉल करो, कॉल करके तुम लोग पूछ सकते हो एनी टाइम। ठीक है, एनी टाइम, एनी टाइम तुम लोग मुझे कॉल कर सकते हो, पूछ सकते हो कि मैम ये क्या है, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, इफ़ यू प्रॉब्लम देन कॉल मी, आक्स मी। अगर तुम लोग मुझे नहीं बोलोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम लोगों को प्रॉब्लम हो रहे हैं। ठीक है, सो हम लोग क्या पढ़ा? दरवान पहरादार, तो दरवान मतलब पहरादार हम लोग को पता हो गया, गार्डमैन। ठीक है, पुष्पे फूले, पुष्पे फूले, पुष्प मतलब भी फ्लावर, फूल मतलब भी फ्लावर। ठीक है, फूल।
मैंने पहले ही बोला तो वर्ड अलग अलग होगा लेकिन उसका मीनिंग एक ही होगा, ठीक है। तोरी मतलब नौका, यू नो नौका पानी में जो बहता है, क्या बोलते हैं उसको, बोट है ना, बोट, स्टीमर, स्टीमर तो नहीं है ये, छोटा काट का जो होते हैं, ऊँट का जो होते हैं वो, ठीक है, नौका, तोरी नौका, तोरी नौका, ठीक है। तो भोर सकाल, भोर सकाल, दोर दरोजा, दारोवान पहाड़ादार, दारोवान पहाड़ादार, पुष्पे फूले, तोरी नौका, ठीक है। तो देखो भ में ओकार र, भोर सकाल, दंत स, क में आकार ल, सकाल, दंत स, क में आकार ल, सकाल। दोर दरोजा, द र जमे आकार, दरोजा, द र जमे आकार, दरोजा, ठीक है। दारोवान पहारादार, प में आकार पा, ह में आकार हा, डायबिन र में आकार रा, पहारा, द में आकार दा, र दार, पहारादार, ठीक है, पहारादार। पुष्पे फूले, फ में हसु, ल में एकार, फूले, फ में हसु, ल में एकार, फूले, ठीक है। तोरी नौका, न में औ, क में आकार, नौका, न में औ, क में आकार, नौका, ठीक है। तो मैं स्पेलिंग करके तुम लोगों को पढ़ा दिया, तुम लोग ध्यान से पढ़ना, वीडियो को पुश करके उसके बाद ध्यान से सुन के इसको तुम लोगों को कंप्लीट करना है, ठीक है। मैं होमवर्क वीडियो दे रही हूँ तुम लोगों को, तुम लोग देख के रख दिया, बाद देख देख के लिख के रख दिया, ऐसा नहीं करना है बेटा, ठीक है। ये अच्छे से तुम लोगों को पढ़ना है, अगर तुम लोग अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो तुम लोगों को ही प्रॉब्लम होगा, ठीक है, तुम लोगों को ही प्रॉब्लम होगा। तो इसको जमा के नहीं रखना है, ठीक से अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, ठीक है। मैं और एक बार रिपीट करती हूँ, भोर सकाल, दोर दरोजा, दारोवान पहारादार, पुष्पे फूले, तोरी नौका, ठीक है, कंप्लीट। ये तुम लोगों को अच्छा से पढ़ना है, नोट डाउन करना है, होमवर्क कॉपी में नोट डाउन करना है, और बिन देख के क्लास वर्क कॉपी में लिखना है, और बिन देख के लिख के होमवर्क कॉपी में बिन देख के लिख के मुझे सबमिट करना है, और दोनों कॉपी में ही लिखना है। जब स्कूल खुलेगा, स्कूल में तुम लोग आओगे तब तुम लोगों का कॉपी चेक किया जाएगा, ठीक है। इसलिए क्लास वर्क होमवर्क दोनों कॉपी में ही तुम लोगों को अच्छा से इसको लिखना है, और अच्छा से पढ़ना भी है, और बिन देख के लिखने की कोशिश भी करना है, ठीक है, ओके। तो अच्छा से तुम लोग पढ़ लेना, ठीक है, ओके, बाय।